नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। मैं पंकज साहनी, मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंकज में आपका स्वागत है। तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो है कि 300 ग्राम पंचायतों में नहीं होगी परामर्श समिति, और वो 300 ग्राम पंचायत कौन कौन है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा और क्यों नहीं होगा ग्राम पंचायतों में परामर्श समिति, इसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ 300 ग्राम पंचायतों में नहीं होगी परामर्श समिति, 300 ग्राम पंचायतों में नहीं होगी परामर्श समिति। राज्य में नए नगर निकायों के गठन के बाद करीब 300 ग्राम पंचायतों का विलय नगर निकायों में हो गया है। ये जो है, यहाँ 300 ग्राम पंचायतें अब नहीं रहेंगी नगर निकाय में, इसका विलय हो गया है। नव गठित नगर निकायों में अब नए सिरे से आम चुनाव कराया जाना है। नगर निकाय में जो ग्राम पंचायतें गई हैं उनका नए सिरे से आम चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में इन 300 ग्राम पंचायतों में परामर्श समिति काम नहीं करेगी। ऐसे में 300 ग्राम पंचायतों में परामर्श समिति काम नहीं करेगी। इसके साथ ही इन 300 ग्राम पंचायतों में गठित ग्राम कचहरियों की परामर्श समिति और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों का संचालन भी नहीं होगा। इन नए नगर निकायों को सक्रिय करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैंने क्या बताया है। तो चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें।